दुनिया में किसी देश ने अगर वर्ल्ड की पहली सोलर पावर ट्रेन बनाई है तो ये खिताब जाता है ऑस्ट्रेलिया के नाम पर। 1949 की डीजल ट्रेन को इन्होंने पूरी तरह से कन्वर्ट करके सोलर पावर ट्रेन बना दिया। इनफैक्ट अमेरिका भी कैलिफोर्निया में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, बताया जा रहा है कि ये भी सोलर पावर से ही इंस्पायर्ड है। लेकिन अब भारतीय रेलवे भी इसी मुहिम का हिस्सा बनने जा रहा है। हमारे देश की फास्टेस्ट ट्रेन रैपिड रेल, जो कि 160-180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरती है, यहाँ पर अब 4.5 लाख यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से सोलर एनर्जी से ही प्रोड्यूस की जाएगी। शाहीबाबाद स्टेशन पर 5,400 स्क्वायर मीटर के एरिया में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया है, जो स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को तो पूरा करेगी ही, साथ ही में हमारी रैपिड रेल ट्रेन्स में भी यूज होने वाले लाइट्स और फैंस, एसीज, इन सब के लिए भी यूज की जा सकती है। जल्द ही इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करने वाले हैं और इसी रीजन के चलते यहाँ पर फाइनल टचअप काफी रैपिडली शुरू है। आपको याद होगा इसी साल मई के महीने में वेस्टर्न रेलवे ने मिनी विंड मिल्स भी इंस्टॉल किए थे हमारी रेलवे सिस्टम में, और ये वर्ल्ड में पहली बार हो रहा था जब किसी रेलवे ने ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अपनाया है। ट्रायल बेस पर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। इसमें 5 वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि 2 किलोवाट्स की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं एट एनी टाइम। ऑलरेडी सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन से वेस्टर्न रेलवे ने 3 करोड़ बिजली के बिल में बचाए हैं, और अब इस टेक्नोलॉजी से दावा किया जा रहा है कि हम आराम से 5 करोड़ 6 करोड़ की सेविंग कर सकते हैं, और अगर हमने इसे मैसिव स्केल में लगा दिया तो फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेविंग हमें देखने मिलेगी। खैर, आपकी क्या राय है ऐसे ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो भारतीय रेलवे लेकर आ रही है? अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में भी जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।